Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So finally RRB clerical prelims का स्कोर कार्ड आउट हो गया था कल एंड मेरे पास टाइम नहीं था कल बिल्कुल भी, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई. जो लोग मेरे स्कोर कार्ड के बारे में पूछ रहे थे इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया है. ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं अपने अटैम्प्ट्स बता देती हूँ. ठीक है, मेरे अटैम्प्ट्स थे 70 सिर्फ. ठीक है, रीजनिंग सेक्शन मैंने किए थे 40 क्वेश्चंस एंड मैंने क्वांट सेक्शन में किए थे 30. सो मेरे जो स्कोर रहे हैं 68.25. रीजनिंग सेक्शन में आई थिंक एक या दो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं एंड कौन सेक्शन में मेरा एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है. ठीक है, बाकी नॉर्मलाइजेशन का भी हो सकता हो. ठीक है, आई डोंट नो, बट मेरे अटैम्प्ट जो थे 70 ही थे. ठीक है, तो अटैम्प्ट कम थे तो वैसे भी पता ही था कि रिजल्ट क्या रहना है. एंड यूपी की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कि 76.50 है. ये ईडब्ल्यूएस एंड जनरल की दोनों की सेम है कट ऑफ. ठीक है, तो जिन लोगों का नहीं हुआ है तो प्लीज़ उसके लिए परेशान मत होइएगा. काफ़ी लोग ऐसे होंगे, मेरे तो चलिए अटैम्प्ट ही कम थे. ठीक है, बहुत से ऐसे लोग थे जो लोग बोल रहे थे कि मतलब होना ही नहीं था. काफ़ी लोग के कमेंट्स नीचे तरह तरह के थे. ठीक है, उन लोगों से पूछे जाके जिनके अटैम्प्ट 80 थे. ऐसे बहुत से कमेंट्स आपने देखे होंगे जिन्होंने फुल अटैम्प्ट किए थे. ठीक है, मानते हैं थोड़ी बहुत एक्यूरेसी अभी दिक्कत कर सकती है. जिन लोगों के अटैम्प्ट फुल थे, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट थे. ठीक है, लेकिन क्लरिकल जैसे एग्जाम है जिसमें आप मतलब इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं उसमें कितना आप रॉन्ग कर दोगे. 80 के 80 क्वेश्चन तो आपके नहीं रॉन्ग होते, एक दो रॉन्ग हो भी जाते तब भी मतलब क्वालिफाई होना चाहिए था. ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नहीं हो पाया है. ठीक है, इतने अच्छे अटैम्प्ट होने के बावजूद भी, बट जिनके अटैम्प्ट कम थे उनके उनका हो गया. ठीक है, तो हो सकता है एक्यूरेसी भी होती है, नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट होता है. लेकिन जिनके अटैम्प्ट बहुत अच्छे हैं, जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे मॉक्स वगैरह में, तो उनको उनके लिए तो आप कुछ नहीं बोल सकते ना कि कहाँ से कैसे मार्क्स कट गए. तो ये वही हार्ड एंड जो ईजी शिफ्ट थी उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है. ठीक है, तो उन्हीं से मेरा ये कहना है कि कोई बात नहीं, आपका क्लरिकल में नहीं हुआ कोई बात नहीं. अभी आरआरबी पीओ का रिजल्ट आज या कल मोस्ट प्रोबेबली आज ही, ठीक है, रिलीज़ हो जाएगा. तो उसमें उसके लिए होपफुल रहिए. ठीक है, उसका रिजल्ट आपका अच्छा ही जाएगा एंड मैं भी अपने उस रिजल्ट के लिए बहुत होपफुल हूँ. मेरा रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आप सभी को उस रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट. ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उसके लिए वेट करिए. जो हो गया उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी लोग अपने स्कोर कार्ड को देख के डिमोटिवेट हुए होंगे. ठीक है, कि अटैम्प्ट ऐसे थे, मार्क्स ऐसे आए हैं. ठीक है, एंड उसके बाद आपका IVS PU है आगे, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आपके. ठीक है, तो बस थक हार के बैठिए मत, डिमोटिवेट मत होइए. आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से. बैक टू बैक आपके मेंस भी हैं. ठीक है, RRB PU है, IPS क्लर्क है, देन उसके बाद IPS PU है, FCI, SBI, मतलब बहुत सारी एग्ज़ाम हैं. ठीक है, हमें एक सीट लेनी है, एक अपनी जॉब लेनी है एक तरीके से, अगर आप सोचे तो. ठीक है, तो जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए अब. ठीक है, आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करिए अच्छे से कीजिए. ठीक है, एंड जिन लोगों का एग्ज़ाम है 24 सितंबर को, उनको ऑल द बेस्ट. अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, अच्छे से करते रहिए. ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे.